हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए तो हम भी बहुत अच्छे हैं। और अगला लेक्चर लेकर के आ गए हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स का फिफ्थ पार्ट। हमने बोला था कि तुरंत आएगा फोर्थ के बाद फिफ्थ, तो ये रहा फिफ्थ पार्ट। एक्चुअली ये फोर्थ का ही कंटिन्यूअस पार्ट है, याद रखना। तो फोर्थ जरूर देखो और फिफ्थ पेप देखो, क्योंकि उस लेक्चर को हम लोगों ने बहुत बड़ा नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल है कराना है मेरे को, तो उसके लिए हमने नेक्स्ट लेक्चर का सपोर्ट लिया। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं हम लोग, जल्दी से चालू करते हैं फिफ्थ लेक्चर। तो फर्स्ट फोर्थ लेक्चर में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था उसका समराइज कर दें। देखो, हमने आपको जीरो ऑर्डर, देखो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, पूरे फार्मूले पढ़ाए थे, उसको लिख रहा है। देखो, ज्यादातर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में या आपके सिलेबस में या कहीं भी फर्स्ट ऑर्डर से पूछा जाता है, बट सेम टू सेम न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर में भी बनाया जा सकता है। तो हम भी फर्स्ट ऑर्डर के ज्यादा कराएंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप जीरो ऑर्डर इग्नोर करो। वैसा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल आप जीरो ऑर्डर में भी बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप करना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब बनाओगे तो दिमाग में फिट करना कि न्यूमेरिकल कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हम लोग, सबसे पहले बात करते रेट की। तो अगर रेट की बात करोगे इसमें, टू डी ए डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका रेट होता है। और इसमें अगर रेट बात करोगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर वन। उसके बाद इसका इंटीग्रेटेड रेट था ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इक्वल टू के। ठीक है, और यहां पे क्या था, 2.303 अपॉन टी। उसके बाद लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के। ठीक है, उसके बाद था हाफ लाइफ, टी हाफ इक्वल टू कितना था इसका, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 के। और इसका टी हाफ था कितना था, इसका टी हाफ बताओ, इसका टी हाफ था 0.693 अपॉन के। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल इन दोनों के मिक्स करके कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ बनाया था हमने, इससे ग्राफ बनाए थे, इससे बनाए थे, इससे बनाए थे, तीन ग्राफ तो पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना, किसमें किसमें, कंसंट्रेशन और रेट में, कंसंट्रेशन और टाइम में, उसके बाद कंसंट्रेशन और यहां से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में, फिर यहां से हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में, ऐसा आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ठीक है, ओके, इतनी बात थी। इसमें रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है जीरो ऑर्डर के लिए, ध्यान से सुनना, यूनिट ही कुछ क्वेश्चन बनवा देंगे, इसलिए हम यूनिट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इसमें के का यूनिट होता है पर सेकेंड। ओके, तो चलो, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अभी। तो पहला न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से बनाया जाता है। देखो, टाइम टाइम दिया है, कंसंट्रेशन अगर दिया है तो के पूछ सकता है, या के दिया है, कंसंट्रेशन दिया है तो टाइम पूछ सकता है। मतलब यहां पे कितने लोग वेरिएबल है, एक दो तीन, ध्यान से देखना, एक दो तीन, इसी में सवाल बनाया जाता है, समझना इसको, इसी पे सवाल बनाया जाता है। यहां पर भी वो तीनों लोग हैं, मतलब टाइम और कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है रिएक्टेंट का और रेट कांस्टेंट, इन तीनों में ही क्वेश्चन बनाया जाता है। ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे, आप देख लो, फाइंड रेट कांस्टेंट, यानी के पूछा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नॉट दिया हुआ है, दिख रहा है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 आफ्टर 60 मिनट, टाइम दे दिया इज इतना, फिर से कंसंट्रेशन दिया यानी ए नॉट और ए दे दिया, के पूछा, बोलो आ रहा है समझ में। वैसा ही क्वेश्चन हम इस पे भी बना सकते थे, जीरो ऑर्डर पे बना सकते हैं, यहां पे जीरो ऑर्डर लिख देंगे बस, और कुछ नहीं, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हाफ लाइफ पे देखो, इसमें कौन कौन वेरिएबल है, हाफ लाइफ और के, एक चीज गौर करो, दोनों में के है कॉमन, के है कॉमन, तो क्वेश्चन दूसरा कैसे बनेगा। तो हाफ लाइफ हम आपको दे देंगे, हाफ लाइफ दे देंगे और आपसे टाइम पूछ लेंगे, आधा खत्म होने में 2 घंटे, तो पूरा खत्म होने में बताओ, 20% खत्म होने में टाइम बताओ, 60% मतलब टाइम हम आपसे पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, हाफ लाइफ का वैल्यू रख के पहले के निकाल लेना है, पहले के निकाल लेना है, और उस के को यहां यूज करना है, ए और ए नॉट दिया रहेगा और उससे टी निकलेगा, गेट इट, यस सर। यहां भी वैसा न्यूमेरिकल बना सकते हैं हम, हाफ लाइफ दे दिए, कंसंट्रेशन इनिशियल तो देंगे ही हम, यहां भी देंगे, यहां भी देंगे, एक ही है दोनों, उससे आप के निकाल लो, उस के को यहां पुट करके आप बाद वाला कंसंट्रेशन या टाइम निकाल लो। समझ में आ गया, समझ में आ गया।
तो ये दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल ऐसा होगा। आप न्यूमेरिकल के टाइप फील करो, पहला डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे, दूसरा इन दोनों फॉर्मूले को मिला करके, तीसरा समझना। तीसरा बड़ी सुंदर क्वेश्चन आता है, उसको हम लास्ट में कराने वाले हैं। फाइंड द ऑर्डर, मतलब एक रिएक्शन लिख देंगे, कुछ वैल्यू लिख देंगे ए और ए नॉट का, और उसके बाद हम बोलेंगे बताओ ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, उसके बाद उसका रेट लॉ लिखो, उसके रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट लिखो, मतलब कुल मिला के सब कुछ पूछेंगे। वो क्वेश्चन जबरदस्त होता है, उसके चार तरीके हैं सॉल्व करने के, ऑर्डर पता करने के चार तरीके, वो हम आपको लास्ट में पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो दो टाइप हमने आपको क्लियर कर दिया, कौन सा दो टाइप, एक सिर्फ इस पे आएगा न्यूमेरिकल के ए और टी में, और दूसरा इस पे आएगा, इस पे और इस पे मिला के, सिर्फ इस पे बहुत कम न्यूमेरिकल आते, एकदम आसान हो जाएगा। के और टी हाफ, के देगा तो टी हाफ पूछेगा, टी हाफ देगा तो के पूछेगा, ये कोई बहुत भारी न्यूमेरिकल नहीं हुआ, तो इसको इसको मिला दिया जाता है, ठीक है ना, इससे के निकाल के इसमें डाल दिया जाता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आता है कि आपको क्वेश्चन दे दे और बोले आप ऑर्डर निकालो, मतलब ऑर्डर पता ही नहीं है, उन्होंने आपको बोला निकाल के बताओ, तो गिवन दिया रहेगा आपको, कंसंट्रेशन दिए रहते हैं, उसके मदद से निकालना है। उसको चार मेथड है करने के, चारों मेथड हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। पहले ये न्यूमेरिकल कर लेते, एक्चुअली तो ये न्यूमेरिकल हो ही गया, देखो बस वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, बाकी कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया, ठीक है बच्चों, तो चलो करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर ध्यान देना जरूरी है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी डीकम्पोजिशन जितने होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, जैसे ये टूट रहा है तो अधिकतर फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल याद होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर सारे फर्स्ट ऑर्डर है, हाइड्रोलिसिस करते समय जब एक को एक्सेस रखते हैं, ये टूट रहा है तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटेगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, रेडियो एक्टिव डीके हमने पढ़ाया था, यूरेनियम टूटता है उससे अल्फा निकलता है, ये सब भी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये सब हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया, बस ऐसे याद दिला रहे हैं। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नॉट, ए नॉट का वैल्यू है 1.24 × 10⁻²। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर टाइम दिया है 60 मिनट, 60 मिनट के बाद कंसंट्रेशन, 60 मिनट के बाद कंसंट्रेशन मतलब कितना बच गया हो, इतना, ठीक है। फाइंड द रेट कांस्टेंट, तो फॉर्मूला लिख दो, क्या लिख दो, के इक्वल टू 2.303/T, उसके बाद लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए कंसंट्रेशन। तो चलो इसको सॉल्व बस करना है, 2.303/T 60 मिनट, याद रखो मिनट में रखें तो आंसर भी मिनट में ही आएगा, फिर लॉग ये 1.24 × 10⁻², डिवाइडेड बाय 0.20 × 10⁻², ये इससे कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब ये बचा 2.303/60 लॉग 124/20, ठीक है बच्चों। अब ये कैंसिल कर लो 10, और ये कितना आया 6 और 2 62, तो इसको आप डिवाइड कर लो, 62/10 ये हो जाएगा 2.303/60 और लॉग हो जाएगा 6.2। लॉग का वैल्यू निकालने आता होगा, लॉग का वैल्यू निकालने आता होगा ना, कैसे निकालते ध्यान देंगे, तो पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो 0 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के आगे जितना डिजिट है उससे कम करके उसके बाद वैल्यू आता है। अब 62 के 0 का वैल्यू देखो लॉग टेबल में, हमने लिख लिया है देख के, यार है 7924, ठीक है, उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा 0.0304। याद करो ये काहे में डाला था तुमने, मिनट में, और ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट क्या था, सेकंड इनवर्स, तो यहां पर सेकंड इनवर्स की जगह क्या आएगा, मिनट इनवर्स, ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन को तुम गोली मार दो क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है यार, तुम बस कॉन्सेप्ट सीखो। इस क्वेश्चन में तुमने सीखा क्या, इस क्वेश्चन में ये फार्मूले के मदद में ये तीन चीज दिया है, के निकाले, बहुत सरल क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, फिर भी हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है तो ध्यान से सुनो, आपको हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ाया फॉर्मूला के इक्वल टू 2.303/T,
log initial concentration of reactant upon concentration after time t. ये पढ़ा the, जो भी फॉर्मूला कंसंट्रेशन में पढ़ते हैं आपको हम के वक्त बताए थे, के वक्त पढ़ाए थे कि के का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड है. अगर पूरा गैसियस होगा तो ये मोल पर लीटर की जगह क्या आ जाता है, एटीएम, यानी वहां पर प्रेशर नापा जाता है. तो कुछ गैसियस रिएक्शन में अगर प्रेशर की बात की हो, जैसे कि देखो यहां पर टाइम दिया है और प्रेशर दिया है एटीएम में, तो फिर क्या समझ गए तुम, कंसंट्रेशन की जगह एटीएम आ जाएगा. सो यहां पे नोट में लिख लो, नोट में लिख लो कि फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्यों पार्शियल प्रेशर, शायद आप मेरा सॉल्यूशन का लेक्चर अगर देखे होंगे तो पार्शियल प्रेशर की बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर एक कंटेनर है उसमें दो तीन गैस मिलके है तो हर गैस के प्रेशर को अलग अलग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं और तीनों के प्रेशर को प्लस करके टोटल प्रेशर. ये बात आपको समझता होगा, पार्शियल मतलब थोड़ा 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 सब मिलकर प्रेशर लगा रहे. एक्चुअली ये तीनों गैस है, गैसियस रिएक्शन मतलब तीनों गैस, तो 2.303 अपॉन टी रहेगा यहां पर लॉग, यहां पर जाएगा पी नॉट मतलब इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल ध्यान से सुनेंगे, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन पीटी आएगा, पीटी मतलब पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट की बात की जाती है, सबको पता है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी यानी टी टाइम के बाद, जो यहां टाइम पे दिया होगा 10 मिनट 5 मिनट उस टाइम के बाद कितना प्रेशर है उसको डिवाइड करने से आपका के निकल जाएगा. ठीक है बच्चों, इसीलिए हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि ये प्रेशर में है, ऐसा एकलौता क्वेश्चन है बस, और टेक्स्ट बुक में आपको पीछे एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, तो ये हम करा देते वो आप कर लेना. ठीक है, तो ये मिटा दे, आपने नोट कर लिया होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं, ये लगाने वाले हैं. ठीक है, कैसे समझा, क्योंकि यहां प्रेशर दिखा हुआ है. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहां क्या बोल रहा है, देखो टाइम दिया है जीरो, टाइम पे प्रेशर है टोटल प्रेशर नॉट पार्शियल, देखना थोड़ा फंसा दिया इन्होंने, टोटल प्रेशर 0.5 मतलब ये तीनों मिला करके. टाइम जब जीरो है, तुम खुद सोचो कि जब टाइम जीरो है मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है. अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसमें कौन सा गैस है, सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा अभी, समझ में आ रहा है. टाइम आगे बढ़ता है तब ना प्रोडक्ट बनता है, तो ये पूरा का पूरा 0.5 एटीएम जो प्रेशर है वो अकेला ये लगा रहा है, मतलब ये है आपका पी नॉट का वैल्यू. बोलो आया तो बोलो. ठीक है, पी नॉट का वैल्यू हो गया, समझा कैसे. सर ये पार्शियल प्रेशर तो एक का प्रेशर लेते हैं, इस कंटेनर में अभी प्रोडक्ट तो बना नहीं है तो सिर्फ रिएक्टेंट है, तो जितना प्रेशर है टोटल वो सिर्फ रिएक्टेंट ही लगा रहा होगा. क्लियर हो गया, तो 100 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये तीनों गैस प्रेजेंट होंगे, तीनों होंगे. ठीक है ना, अब ध्यान से समझना, मोल का तुमने सवाल बनाया था ना, ये सामने वाला नंबर मोल होता है. तो देखो ये टोटल प्रेशर 0.5, अब 100 सेकेंड के बाद ये कितना प्रेशर बनाएगी, 2x एटीएम, क्यों यहां पे 2 लिखा हुआ है, और ये कितना बनाएगी, x एटीएम. क्लियर हो रहा है, हमको नहीं पता तो हम x मान रहे हैं, तो ये कितना बनाएगा, तो ये जो टोटल प्रेशर है, ध्यान सुनना, ये जो टोटल प्रेशर है उसमें से पहले प्रेशर इतना था, इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा, 2 मोल यानी 2x. समझा हो तो बताएं, समझ गया होना चाहिए, सेम टू सेम हम लोग मोल में कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं. तो मान लो हम तुमको बोलते हैं ये इनिशियली 10 मोल है, बाद में रिएक्शन चालू हुआ तो ये कितना मोल बनता, 2 अल्फा, अल्फा बनाते थे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. तो मान लो x है उसका पार्शियल प्रेशर, तो मान लो इसका पार्शियल x मोल टूटा हो,
तो इसका ये कितना बनेगा, 2x एटीएम प्रेशर, और ये कितना बनाएगा, x एटीएम, तो ये कितना होगा, ये 2 मोल है, तो ऐसा माइनस कर दे। अब बताओ टोटल प्रेशर जो होगा 100 सेकंड के बाद, जो कि दिया है, ये दिया आपको पीटी का वैल्यू 100 सेकंड के बाद इतना टोटल प्रेशर है, 100 सेकंड के बाद इतना टोटल प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर को हम बोल सकते हैं तीनों के पार्शियल प्रेशर का सम, बिल्कुल बोल सकते हैं टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ थ्री गैस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब आप क्या करो, वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो यहां पे 0.512, इसका पार्शियल प्रेशर 0.5 माइनस 2x, फिर इसका, ठीक है, इसका देखते हैं तो ये आएगा 2x प्लस x, 2x और 2x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0.512 इक्वल टू 0.5 प्लस x, इसको इधर लाके माइनस कर लो तो x निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा 0.512 माइनस 0.500, ऐसा लिख सकते हैं x, तो यहां से आपका x निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, x कितना आ जाएगा बताओ, x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा, ये माइनस करो तो ये आ जाएगा 0.012। अब हमको क्या चाहिए, ध्यान से सुनो, तुम्हारा फॉर्मूला है x k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log पार्शियल प्रेशर इनिशियल का, रिएक्टेंट का, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 शुरू में, और पार्शियल प्रेशर ऑफ एट टाइम t किसका, N2O5 का ही, N2O5 का ही t टाइम के प्रेशर, ध्यान देना रिएक्टेंट का चाहिए, t टाइम के बाद इसका पार्शियल प्रेशर ये है, मतलब अपने को x निकाल के यहां रख के निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम इतना कर रहे हैं, समझा, समझा नहीं समझा फिर से, तो ये जो क्वेश्चन में दिया है वो तीनों गैस का मिला के प्रेशर दिया है, बट हमको सिर्फ रिएक्टेंट का चाहिए, इसीलिए इतना नाटक करना पड़ा, हमने क्या किया टोटल प्रेशर के लिए तीनों का पार्शियल प्रेशर का सम किया, ऐसा यहां से x निकाल गया, अब इस x को रख के निकाल लेंगे, तो ध्यान से देखेंगे पार्शियल, अब निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 आफ्टर आफ्टर टाइम टी आफ्टर 100 सेकेंड जो भी है, तो क्या होगा, क्या होगा, ये देखो पीटी 0.5 माइनस 2x, यानी 0.5 माइनस 2 इंटू 0.012, इसको माइनस कर लो 0.500 ऐसा लिख दो, और ये 2 से मल्टीप्लाई करो 0.0, यहां कितना रहेगा, माइनस 2 गया 7, तो कितना आ रहा है 0.476, ये आ गया पीटी 0.476 एटीएम। बोलो बच्चों यहां तक समझ गया तो सवाल खत्म, यहां तक समझ गया तो सवाल खत्म। तो ये क्वेश्चन खूबसूरती क्यों हो गया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के वजह से, ये कोई बड़ा 30 मार्क खान कहानी नहीं है भाई, हम कंसंट्रेशन के जगह प्रेशर डाल दिए उठा के, नो बिग इशू, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इन्होंने इसका पार्शियल प्रेशर नहीं देके टोटल प्रेशर देकर के गेन कर दिया। तो आपको ये चीज याद होना, डाल्टन का लॉ है ये कि किसी भी गैस का टोटल प्रेशर चाहिए तो उसके अंदर जितने गैस है सबका पार्शियल प्रेशर जोड़ दो, बिना लॉ के भी ये बात समझती है ना बच्चों। मान लो इस रूम में चार गैस है, चारों गैस का प्रेशर मिला दो टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो सवाल हो गया हलवा, और इसके बाद है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, तो आई थिंक आप कर लेंगे क्या, छोड़ दें 2.303 टाइम है 100 सेकेंड लॉग पी नॉट कितना है 0.5 और ये कितना आ गया 0.476। अब इसको डिवाइड वाइड कर लेना, डिवाइड नहीं भी करोगे तो तुम इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखो बच्चों ये 100 को लिख दो इंटू 10 का पावर -2, इसको ना तुम डिवाइड नहीं करना है, भारी हो जाता है, तो इसको ऐसे तोड़ लो लॉग 0.5 माइनस लॉग 0.476। अब लॉग टेबल तो आपको देखना अलाउ होता है पेपर में, आप दोनों लॉग का वैल्यू डाल देना और माइनस कर लेना है, डिवाइड इज मोर डिफिकल्ट, डिवाइड से आसान है ना ये, तो इसको सॉल्व वॉल्व कर लेना और सॉल्व करके आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा बता दे रहे हैं आप कर लेना 4.88 × 10 का पावर -5 और आंसर आएगा सेकेंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, के का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है बच्चों। ये सॉल्यूशन करना आपका काम है, आप लॉग 0.5 का वैल्यू देख लोगे, कैसे देखोगे इसका, देखो डेसिमल के सामने कुछ नहीं है तो उसमें क्या लगाओगे, डेसिमल के सामने कोई नंबर नहीं है तो -1 लगेगा, हाँ
क्यों? डेसिमल के सामने जितना नंबर होता है उससे कम, तो कोई नंबर नहीं है, तो उससे कम कितना होगा? माइनस वन, माइनस वन पॉइंट। अब 50 का वैल्यू देखना, किसका वैल्यू देखना? 50 का जीरो का वैल्यू, लॉग टेबल निकालो, 50 के जीरो का वैल्यू देख के लिख देना। फिर इसमें देखो, इसमें भी वही आएगा, माइनस वन आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करना। दो अगला न्यूमेरिकल हमने लिख दिया, अभी दो क्वेश्चन हमने करा दिया, बेस्ट क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन, इसके पहले जो किया बेस्ट क्वेश्चन है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन है, 20% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 3 मिनट, मतलब कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका 20% कंप्लीट होता है 3 मिनट में, तो बताओ 75% कितने देर में कंप्लीट होगा। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं हम बदल बदल के, मतलब 10% कंप्लीट हुआ इतने देर में, तो 20% में कितना, ऐसा कुछ 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 भी। तो समझ जाओ कि तुमको क्या करना है, देखो 20% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड इन 3 मिनट, इससे एक इक्वेशन बनेगा। द 20% कंप्लीटेड, तो ए नॉट, ए नॉट मतलब शुरू का कंसंट्रेशन, जब भी कोई चीज परसेंट में हो तो स्टार्ट कैसे होता है, कोई भी चीज परसेंटेज में, मतलब रिएक्टेंट कितने से स्टार्ट हुआ होगा, 100, 100 से कम होते 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 प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। 20% कंप्लीट का मतलब 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया है, तो ये तो ले लेंगे 100%। ए होता है कितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग बचा वाला, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना वो नहीं, यहां जो 20% गेट कंप्लीटेड का मतलब 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन गया है, बट हमको ए में लेना है कितना रिएक्टेंट बचा है, तो 100 में से 20 कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा, 80% बचा, टाइम दिया है 3 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले के निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट ऑर्डर का, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। देखो इसको समझो, यहां के लिखेंगे तो यहां टी, यहां के लिखेंगे तो यहां टी, बदल सकते हैं हम जरूरत के हिसाब से, लॉग ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना टाइम दिया है, 3 मिनट, लॉग ये कितना आ गया, 100 अपॉन 80, ये कैंसिल हो गया 10/8, ये आ गया लॉग 10/8, लॉग 10/8, ध्यान से समझेंगे। अब इसको 2.303 अपॉन 3, इसको कर सकते तुम ऐसा, लॉग 10 माइनस लॉग 8, सबको पता होगा लॉग में जो डिवाइड होता है वो माइनस हो सकता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे करना है कैलकुलेशन। तो ये कितना आएगा, ओ सॉरी, 2.303 अपॉन 3, लॉग 10 सब लोग जानता होगा 1, लॉग 8 नहीं पता, देखो तुमको लॉग 2 पता होगा, और लॉग 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये पावर सामने आ जाएगा, सबको पता है लॉग का प्रॉपर्टी है, तो 3 लॉग 2 हो जाएगा। अब 3 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो कितना आएगा, 0.9, समझ रहा है, सबको समझा आपने कैसे वैल्यू निकाला लॉग 8 का, लॉग 8 को 8 को लिख दे 2 का पावर 3, पावर सामने आ गया, लॉग 2 पता है अपने को, तो ये हो गया 2.303 अपॉन 2, और 1 माइनस 0.8 कितना आएगा, 0.1। चलो इसको सामने कर दो डेसिमल को, यानी 0.2303 अपॉन 3, इसको रहने दो ऐसा, क्योंकि यूज करना आगे। अब बोल रहा है क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट 75%, मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ये लिखा हुआ है 75% कंप्लीट करना है। तो अगेन फिर से दूसरा कंडीशन बनाओ, ए नॉट कितना, 100, फिर से अब ए कितना, तो 100 माइनस 75 कितना आएगा, 25%, और टाइम पूछा है। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, के टी ए नॉट ए, के टी ए नॉट ए, अगर टी आपसे पूछा है, ए और ए नॉट पता है, तो के को होना चाहिए पता, तो के कैसे निकाला हमने, फर्स्ट कंडीशन से, समझ गया क्वेश्चन देने का मोटिव, समझ गया आपको, फर्स्ट कंडीशन से हम के निकाल लेंगे और उसको सेकंड कंडीशन में पुट कर देंगे, क्योंकि एक रिएक्शन में के कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको टी चाहिए तो यहां टी लिखो, टी चाहिए तो यहां टी लिखो, के चाहिए तो के लिखना, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, ध्यान देंगे 2.303 अपॉन के कितना है बच्चों, यह है 0.2303 अपॉन 3 लॉग ए नॉट 100 अपॉन 25, सही है, बिल्कुल। ये इससे कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ध्यान दो इधर, ये कैसे कटेगा बताओ, ये देखो 3 डिजिट बाद यहां डेसिमल है और यहां 4 है, तो 3 डिजिट से 3 डिजिट डेसिमल कट गया,
यहां पर एक डिजिट एक्स्ट्रा है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। समझा क्या? ओके, तो 10 इंटू 3, ये 3 कहां से आया, ये नीचे वाला ऊपर चला गया। अब ये कैंसिल कर लो, लॉग 4 देख लो बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? थोड़ा ध्यान से देखो, कैलकुलेशन अच्छे से कर देते हम। समझाइए, ये समझा क्या? देखो यहां से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 1 पे कितना जीरो आएगा, 4, और यहां से हटाओगे तो 3 आएगा, 3 0 3 0 कट गया, 1 0 बच गया ऊपर, सही है, ये 3 ऊपर चला गया। तो 30 log 4, फिर से देखो log 4 कैसे निकलेगा, इधर साइड में log 4 को हम 2 का पावर 2 लिख दें, यस, पावर सामने आएगा तो 2 log 2, यानी 2 log 2, 2 into log 2 का वैल्यू 0.3, तो कितना आएगा 0.6, सही है, सही है क्या? 10 3 30 और log 4 का वैल्यू 0.6, ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो तो 6 upon 10, 0 से 0 कट गया, 18 मिनट इज द आंसर, 18 मिनट में 75% कंप्लीट हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन हम जीरो ऑर्डर में भी बना सकते हैं, यहां पर बस जीरो ऑर्डर लिख दो, बस ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, करने का तरीका यही रहेगा। फिर से समझो, पहला कंडीशन में हमने a0 t दे के आपसे k निकलवा लिया, उसी k को यूज करके अगली बार हमने t निकाल लिया, यानी कुल मिला के एक ही इक्वेशन को कितने बार यूज किया गया, 2 बार। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपके बुक में फर्स्ट ऑर्डर दिया है, हम भी ऐसा करा रहे हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30% गेट कंप्लीटेड इन 10 मिनट, ऐसा आपने मन से लिख रहा है, इन 10 मिनट। फाइंड हाफ लाइफ, मतलब अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला घुस गया इसमें। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, क्या करना है, कुछ नहीं, दो फॉर्मूला बना दो, हम प्लानिंग समझा दे रहे हैं, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आसान होते हैं। तो पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला, देखो हाफ लाइफ पूछा है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अपॉन के, यही होता है ना बच्चों, आपको के नहीं पता है, तो हम k निकाल के लाएंगे ये वाले फॉर्मूला से। देखो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट डिवाइडेड बाय ए। कितना अच्छा क्वेश्चन ताल बना जमा के दिया हुआ है कि आप यहां से देखो, ये पहला कंडीशन पढ़ो, t दिया, a और a नॉट दिया, तो आप यहां से k निकालो और उस k को यहां यूज करके t हाफ निकाल दो, काम आसान हो गया। समझ गया होगा, फिर भी बना दे रहे हैं। देखो 2.303, टाइम है 10 मिनट, लॉग ए नॉट, शुरू में परसेंट में याद रखो, 100 ही लेना है, अपॉन ए, तो 30% कंप्लीट हुआ, या 30 मत डाल देना, 30 खत्म हो गया, तो बचा कितना 70, ये कट गया। अब के इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, ठीक है, लॉग 10/7, अब इसको लॉग 10 माइनस लॉग 7 लिख लो, बस इतना काम करते जाओ, log 10 माइनस log 7, ओ सॉरी, log 10 माइनस log 7, 2.303 अपॉन 10, log 10 का वैल्यू 1 माइनस log 7 का वैल्यू देख लेते टेबल से, तो log 7 का वैल्यू है 0.85, log 7 का वैल्यू क्या है 0.85, 1 में से माइनस कर लो इसको, तो कितना आ रहा है 2.303 अपॉन 10 इनटू 1 माइनस 0.85, देखो 1.00 लिख लो, 0.85 लिख लो, माइनस कर लो, 10 में से 5 गया 5, और ये 9 minus 8 1, यानी 0.15, ठीक है, इतना ही छोड़ दो, या कैंसिल करना है तो कर लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, तो 2.303 अपॉन 10 इनटू 15/10 100, सही है, ये देखो 5 2 10, 5 3 15, अब ज्यादा मत करो, देखो 2.303 को ऐसे छोड़ दो, क्यों छोड़ दो आपको हम अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं यूज, ये समझ में आ गया, हम के निकाल के वैसा छोड़ देंगे। यूनिट क्या होगा, टाइम मिनट में है, तो फर्स्ट ऑर्डर का याद होगा, मिनट इनवर्स सेकंड इनवर्स यही आता है। अब उस के को यहां ला के पटक दो, टी हाफ निकल जाएगा, 0.693 अपॉन के, 2.303 इंटू 3/200। अब तुमको याद होगा क्या, याद है 0.693 कैसे आया था, चलो याद नहीं हम बताते हैं,
यहां था 2.303 मल्टीप्लाई लॉग 2 का वैल्यू था, लॉग 2 का वैल्यू 0.3 था। बोलो बोलो याद है, नहीं याद है तो करो क्योंकि बहुत जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो इसको ऐसा तोड़ दोगे ना तो धड़ से कट जाएगा ये, देखो 2.303 इंटू 0.3, समझ रहा है बच्चों? ये इसको तोड़ दिया हमने जानबूझ के ताकि काटने में इजी हो, और इसीलिए हमने वहां मल्टीप्लाई भी नहीं किया। देखो ये इससे कट गया, 3 से ये कट गया 0.1, और ये ऊपर चला गया 200, यानी 200 इंटू 0.1, ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट में 10 आएगा, 0 से 0 कट गया, 20 मिनट इज द आंसर। हाफ लाइफ कितना है इसका? 20 मिनट। बोलो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दो, हम कैसे करते हैं इजीली कर लेते, तुम भी ऐसे कर रहा ठीक है। 20 मिनट इज द आंसर। तो हमने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा पैटर्न को फील करो। पहला क्वेश्चन हमने कराया, दो बार इसी फॉर्मूला को यूज कर दिए, अभी इसके पहले दो बार इसी फॉर्मूला को, मतलब एक बार टाइम दिया और फिर डबल टाइम पूछ लिया। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन से के निकाले और उसको पुट अप करे, दूसरी बार इन दोनों को मिक्सअप करके क्वेश्चन दिया, टाइम दिया हाफ लाइफ पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, टाइम मेन खेला के पे है, मेन खेला के पे है, क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे ठीक है, अब हम लोग अपना टॉपिक मतलब बदल रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको कंडीशन लिख दिया जाएगा कंसंट्रेशन वगैरह, और आपसे पूछा जाएगा रेट रेट लॉ बताओ, ऑर्डर बताओ, ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, हम आपको कुछ कराते हैं ठीक है। तो चलिए ऐसे चार तरीका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के। तो अगला हेडिंग लगा दीजिए, मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के तरीके न्यूमेरिकल में ठीक है। तो चार तरीका, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन सारे मेथड पे करेंगे, यानी चार क्वेश्चन और करेंगे हम लोग ठीक है, नोट करें आप। तो अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी के बन जाएंगे ठीक है। तो मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के तरीके, तो चार तरीके हैं, बट इसमें से ज्यादातर यूज पहला होता है, और पहला श्योर शॉट मेथड है। श्योर शॉट मतलब पक्का पक्का, कोई भी ऑर्डर हो तो सवाल जरूर बनेगा ठीक है, तो हम इस पे टिक मारना चाहेंगे। बट बाकी मेथड्स क्या बकवास है? जी नहीं, बाकी मेथड भी अच्छा है, बट अगर क्वेश्चन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर का है तो बहुत इजीली अगले मतलब ये तीन मेथड बना लेंगे। बट आपको पहला और पहला जो मेथड है वो किसी भी ऑर्डर, चाहे ऑर्डर फ्रैक्शन में हो, चाहे ऑर्डर काय भी हो, 5/3 या 8/9, कुछ भी एनी ऑर्डर है तो उससे पक्का निकल जाएगा, यानी एकदम 100% जिस पे तुमको भरोसा करना चाहिए वो फर्स्ट मेथड है ठीक है। तो हम लोग पहला पहले सीखते हैं, फर्स्ट मेथड ही सीखते हैं। फर्स्ट मेथड सीखने से पहले हम आपको कुछ चीजें याद कराना चाहेंगे। देखिए मेरे पास कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी, 2a + 3b, कुछ भी हो, और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या नाम है? इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड ठीक है। तो अब देखो कोई भी एक रिएक्शन है, तो अगर हम आप इसमें से पूछे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या लिखोगे इसको देख करके, तो आपको याद होगा हमने पढ़ाया है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर, अपने को नहीं पता भाई, पावर एक्स वाई मानेंगे, बराबर है कि नहीं? पावर कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ये पावर नंबर होगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई बोला एलिमेंट्री में होता है, हमने बोला कहां लिखा है एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, तुमको कैसे पता? इसलिए एक्स वाई ही हम लोग मानेंगे जब तक कुछ लिखा नहीं इन्होंने। तो अब ध्यान से सुनेंगे, अब बताओ एक्स क्या है? एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, सही है, यानी एक रिस्पेक्ट में ऑर्डर, अलग अलग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर बताया जाता है। और वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं। और एक्स प्लस वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी को बोल सकते तुम, यानी पूरे रिएक्शन का ऑर्डर पूछे तो जितने रिएक्टेंट है उसके पावर हमको निकालना पड़ेगा, सही है ना? और एक एक रिएक्टेंट का पूछे तो एक एक का पावर। उसके बाद ये है रेट लॉ का एक्सप्रेशन, और इसको प्लस करके ऑर्डर आ जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो, यहां क्वेश्चन दिया है फाइंड ऑर्डर यानी x प्लस वाई ऑर्डर, यूनिट ऑफ k, ओके, और यूनिट ऑफ k के लिए हम आपको सिखा दे रहे हैं फिर से, यूनिट ऑफ k सब रिवाइज करा रहे हैं, सब पढ़ा दिया हमने, मोल पर लीटर का पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स, याद होगा अच्छे से, यस। और n जहां पे ऑर्डर है, n क्या है बच्चों? ऑर्डर है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बस देखो
सारा फॉर्मूला में लिख दिया। ऑर्डर चाहिए तो एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा, यूनिट चाहिए तो एन लाना माने ऑर्डर लाना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो माने कुल मिला के ऑर्डर ही अपने को निकालना है। अब थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। देखो देखो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो ओरल बना सकते हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो ओरल बना सकते हो, नहीं तो फिर लंबा तो कर ही सकते ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया हमने, लेकिन बी का डबल किए, बी का डबल किए। तुमको एक चीज हमने समझाया था, एक चीज समझाए थे कि रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर ऑर्डर, मतलब अगर ऑर्डर वन है मतलब जितना रिएक्टेंट बढ़ा उतना ही रेट बढ़ेगा। सही है, याद आया। अगर मान लो ऑर्डर वन है तो रिएक्टेंट डबल तो रेट डबल, रिएक्टेंट ट्रिपल तो रेट ट्रिपल। सही है, अगर ऑर्डर टू है तो इसको डबल करोगे तो ये फोर टाइम्स बढ़ेगा, अगर ऑर्डर जीरो है तो इसको डबल करोगे तो ये नहीं बढ़ेगा, और ये नहीं बढ़ रहा है इसको बढ़ाने से, तो ऑर्डर समझ जाओ उसका पावर जीरो है। अच्छा अगर मान लो हम इसको डबल किए और ये हाफ हो गया तो पावर माइनस वन है, पावर माइनस वन है, रेसिप्रोकल। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये चीज पढ़ाया था ना हमने, ये चीज पढ़ाए थे, आ गया नहीं आया फिर से एक बार समझो। अब इसको देख के यहां समझेंगे, तो ए का नहीं बदले हमने कंसंट्रेशन, बी का चेंज किए, बी का, तो बी का कंसंट्रेशन डबल किए तो रेट आधा हो गया, ये देखो टू से वन हो गया। बोलो पावर कितना है, बी का पावर कितना है, माइनस वन, ओरल पता चल गया। अब देखो यहां पे, यहां पे देखो ए को डबल किए और बी को आधा किए हैं, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। अब इसको इसको देखो, कोई जरूरी नहीं लाइन से देखा जाए, इसको इसको देखो, ए को डबल किए बी को कुछ चेंज नहीं किए तो ये दुगना हो गया, नहीं समझा। तो ए को क्या किए हैं, डबल किए हैं, दिख रहा है फर्स्ट एंड थर्ड को देखो, ए को डबल किए तो ये डबल हो गया, टू से फोर हो गया, मतलब इसका पावर कितना है, ये डबल तो ये डबल, पावर कितना बताओ वन, यानी हमको समझ गया ऑर्डर एक, एक का पावर माइनस वन है, एक का पावर वन है, काम खत्म, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है क्या बच्चों, चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ गया। तो चलिए अब बना लेते हैं इसको हम लोग, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब से ये तो ओरल हो गया, इतना आप नोट कर लो, फिर हम आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं। ये चार मेथड का नाम लिख लिए, इनिशियल रेट मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर एक एक करके चारों मेथड पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे चारों पे, तो ये मिटा दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट था आपका। अब करना क्या है, ध्यान दे, ये देखो ये रिएक्शन लिखा है, तो रिएक्शन को हम लोग देख करके देखो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसा लिखना है कि रेट इक्वल टू, रेट को हम लोग आर लिख दे क्या, बिल्कुल, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, यहां के नंबर से कोई मतलब तो है नहीं, हमेशा एक्स वाई ही लिखना है, बस देख लेना कि दो लोग है कि तीन लोग है, तीन भी हो सकता है, एक्स वाई, ठीक है। अब अपने को एक्स वाई निकालना, अब क्या करो, तीन इक्वेशन बनाओ, एक इससे एक इससे एक इससे, बनाओ बनाओ फटाक से। तो आर के जगह पर ये रेट है, यानी आर, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये बी है, तो पहला आएगा देखो टू इंटू टेन का पावर माइनस थ्री इक्वल टू के इंटू ए का वैल्यू देखो 0.1 का पावर एक्स और बी का वैल्यू 0.1 का पावर वाई, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब इससे बनाओ एक इक्वेशन, आर के जगह पर 1 × 10 का पावर माइनस थ्री इक्वल टू के इंटू इसका पावर 0.1 का पावर एक्स और इसका 0.2 का पावर वाई, इक्वेशन नंबर टू। अब इसको करो 4 × 10 का पावर माइनस थ्री इक्वल टू के इंटू ए, ए का कंसंट्रेशन 0.2 का पावर एक्स और ये 0.1 का पावर वाई। सही है, ये ए बी का वैल्यू बस रख के तीन इक्वेशन बना लिए। अब क्या करना है बच्चों, अब तुम अपनी मर्जी से देखो, दो वेरिएबल है एक्स और वाई और इक्वेशन है आपके पास तीन, तो बहुत ना इंसाफी, हम आराम से दो से ही निकाल लेंगे। तो आपको किसी दो दो को पकड़ के डिवाइड करना है, तुम उसको करो जो ज्यादा कटे, जैसे कोई इसको इसको करेगा तो ये कट जाएगा ये बचेगा, कोई सेकेंड और थर्ड को करेगा तो ये भी बचेगा ये भी बचेगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो अपन किसको किसको करेंगे, इसको इसको और इसको इसको, समझा। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, या तुम नहीं भी करोगे ना, अगर इन दोनों को भी करोगे तो आ जाएगा, सवाल बन जाएगा, ठीक है, इसका टेंशन मत लेना। देखो तो डिवाइड वन, इक्वेशन वन को डिवाइड कर रहे हैं किससे, टू से। देखो मन में कर लो, इसको इससे डिवाइड करो तो क्या बचेगा, टू, ये कट गया, ये कट गया, ये के से के कट गया, ये भी कट गया, ये बचेगा। ध्यान से देखो, इसको ऊपर लिखे थे, इसको नीचे लिखे थे, लिखे थे ना, तो ध्यान से समझो, पॉइंट से पॉइंट कट गया 1/2। नहीं समझता है तुम पूरा लिख लेना, बट बहुत आसान है, 1/2
वन बाई टू का पावर वाई, फिर से देखो इसका भी पावर वाई, इसका भी पावर वाई, ये वाई वाई तो वाई कॉमन ले लिए पावर। अब टू इन टू, इसको लिख सकते टू का पावर माइनस वन और उसका पावर वाई, इधर लिख लो टू का पावर वन, टू का पावर माइनस वाई, पावर पावर मल्टीप्लाई, टू टू कट गया, वाई का वैल्यू माइनस वन, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी निकल गया माइनस वन। समझ गया होगा, समझ गया। चलो फिर अब किसको डिवाइड किया जाए, फर्स्ट एंड थर्ड को डिवाइड, डिवाइड फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, या थर्ड बड़ा है तो इसको ऊपर लिख लो, ये भी अच्छा रहेगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना, थर्ड को ऊपर लिख लो डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इसको इससे डिवाइड करो यानी इसके नीचे में लिखो, मन नहीं समझे तो यहां डिवाइड करके रख लेना भाई, अगर नहीं समझे तो तुम इसको यहां नीचे लिख लेना, तो सबका उपाय है, डरे नहीं बस, देखो ऐसे लिख लेना ठीक है, अगर नहीं समझे तो। देखो ये पूरा कट गया, के से के कट गया, ये कट गया, बचा क्या टू, टू इक्वल टू, यहां पे क्या बचा देखो 0.2 0.1, पॉइंट पॉइंट कट गया, बचा टू का पावर एक्स, सही है, तो टू बाई वन का पावर एक्स, इसका भी पावर एक्स, इसका भी पावर एक्स, ऐसा तो दोनों का कॉमन हो जाएगा नहीं क्या, बिल्कुल। अब यहां वन है तो एक्स का वैल्यू वन आ गया, टू टू कट गया, यानी आप देखो क्वेश्चन अगर पूछा रहता ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए तो वन, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी तो माइनस वन, बट क्वेश्चन में पूरे रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है, यहां पुट कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, तो ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया एक साथ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इन टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, एक्स यानी वन, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर माइनस वन, तो ऑर्डर बताओ पूरे रिएक्शन का ऑर्डर वन माइनस वन यानी जीरो ऑर्डर। अब बताओ यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के बताएंगे बच्चों, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, याद होगा ना, का पावर वन माइनस एन, एन जीरो रखो तो वही रहेगा। तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम ये देखेंगे, फिर आपको शायद पहला इनिशियल रेट मेथड क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान दो, यहां पर चार एक्सपेरिमेंट किया गया और बार बार वैल्यू दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये रेट दिया है, यूनिट ध्यान से देख लो, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और ये मोल पर लीटर पर मिनट में है, ठीक है। फाइंड द, फाइंड रेट लॉ, रेट लॉ भी बताए थे, रेट लॉ देखो, रेट लॉ क्या होगा ध्यान से देखेंगे, रेट लॉ के हिसाब से रेट इक्वल टू क्या होगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, दिख रहा है दो लोग हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई, बस हमको एक्स और वाई ही चाहिए। बाद में बोला फाइंड के, तो के निकल जाएगा ना, अगर रेट पता है, ये तो रेट पता है, ए पता चल गया, बी पता चल गया, एक्स वाई सब पता है, ए बी यहां दिया हुआ है, देखो बहुत बार दिया है, तो के निकालो, किसी से भी के निकालो, आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज के तो सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं बताओ, दो, और वैल्यू कितने हैं चार, तो क्या जरूरत है चार इक्वेशन लेकर टाइम वेस्ट करोगे, नहीं मत करो, तो कौन सा ले सर, तो तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन किससे इजीली डिवाइड हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो, जैसे सिक्स के टेबल में 72 आता होगा, आता है ना, आता है बिल्कुल, तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, बट यहां में ए भी चेंज हो रहा, बी भी चेंज हो रहा, दोनों चेंज होगा तो प्रॉब्लम होगा, तुमको प्रॉब्लम होगा। अब एक काम करो, इसको इसको देखो, इसको देखो, सेकंड और थर्ड को ध्यान से देखो, इसमें ए चेंज नहीं हो रहा लेकिन बी चेंज हो रहा है, जम गया ताल, ताल जम गया क्या, यस। अब बताओ, तो यहां से ये कट जाएगा, ये निकल जाएगा वैल्यू इसका बी का पावर, फील आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बनाएंगे तो देखना, बस सुन लो अभी। अब फर्स्ट और फोर्थ को देखो, इसमें ए चेंज हो रहा, बी चेंज नहीं हो रहा, समझ रहे हम क्या देख रहे हैं। कोई बोलेगा सर ऐसा एक भी नहीं हो, तो फिर दोनों को बनाना, दोनों इक्वेशन से देख, दो इक्वेशन बनेंगे, थोड़ा भारी हो जाएगा, बट ऐसे इजीली बन जाता है, ठीक है। एक एक चलो, एक हम लोग सेकेंड और थर्ड, और एक फर्स्ट और फोर्थ लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर लिखते हैं, तो क्या लिखोगे, रेट पहले लिखो, तो रेट कितना है 6 इंटू 0.0 नहीं लिखते, 10 का पावर माइनस 3 इक्वल टू के इंटू ए का वैल्यू 0.1 का पावर एक्स, बी का वैल्यू 0.1 का पावर वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर सेकंड लिखते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, या डायरेक्ट डिवाइड करें क्या, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं यार, डायरेक्ट डिवाइड करते हुए टाइम बचेगा, तो वन को फोर से करो, या फोर को वन से करो, फोर को वन से करो, देखो डिवाइड क्यों फोर को वन से, क्योंकि फोर बड़ा है, दिख रहा है वैल्यू, डिवाइड फोर बाई वन, चलो अभी थोड़ा इजी जाएगा लिखने में, तो फोर
फोर में रेट का वैल्यू रखो, पहले ऐसे रखो रेट, तो ये आ गया 2.40 इंटू 10 का पावर माइनस 2 इक्वल टू के, के ही रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.4 का पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.1 का पावर वाई, डिवाइड डिवाइड, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट फर्स्ट लिखो, पहले रेट लिखो, ये ऐसा फॉलो करो, रेट लिखो पहले, तो 6.0 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ओ माइनस 3 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। उसके बाद के, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.1 का पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.1 का पावर वाई, बस कैंसिल करना है, ये पूरा कट गया, के से के कट गया, ध्यान से सुनेंगे, 10 का पावर नहीं कटा, तो 10 का पावर नहीं कटा कोई बात नहीं है, डेसिमल के बाद हम जीरो को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर सकते ना बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर एक जीरो रखो, काम आएगा, देखो यहां भी एक डिजिट बाद डेसिमल, यहां भी एक डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल कट हो गया, बोलो समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो ये बचा 24/60, और पावर देखो, पावर देखो, ये ऊपर गया तो 10 का पावर माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। और ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4/1 का पावर x, सही है क्या, सही है। अभी आएगा पावर 1, 10 का पावर 1 मतलब 240 इक्वल टू 4 का पावर x, ये 4 बार में कट गया, तो देखो 4 का पावर 1 इक्वल टू 4 का पावर x, 4 कट गया, x का वैल्यू 1, यानी a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, देखो इजी लगा, इजी लगा, ओके। अब हमने ये डिवाइड कर लिया, अब इसको करेंगे, देखो डिवाइड, ध्यान से देखो, डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पहला बार थोड़ा भारी जाता है, दूसरे बार इजी जाता है, किसको कौन बड़ा है देख लो, ये बड़ा है इसको ऊपर रख लेते हैं, डिवाइड थर्ड बाई सेकेंड, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर दो, थर्ड को, तो चलो ये ऑर्डर फॉलो करो, इसको बॉक्स में घेर के रखो यार। रेट, रेट कितना है 2.88 इंटू 10 का पावर माइनस 1 इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए मतलब 0.3 का पावर एक्स, बी मतलब 0.4 का पावर वाई, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय ये वाला 6, नहीं नहीं सॉरी ये नहीं ना, ये 7.2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.3 का पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.2 का पावर वाई, तो ये तो पूरा कट गया, ये तो पूरा कट गया। अब देखो ये पावर ऊपर ले लो, ये पावर ऊपर ले लो, देखो 2.88/7.20 कर ले क्या इसको, बिल्कुल, दो दो डिजिट बाद रहेगा तो डेसिमल कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 का पावर माइनस 1 प्लस 2, इधर देखो क्या बचा, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से 4 काट लो 2 बार में, यानी 2 का पावर y, ठीक है ये 1 हो गया, 1 का पावर कुछ नहीं लिखते। अब देखो यहां पे 1 आया तो 288 और प्लस 1, तो 0 लगा ले, 10 का पावर 1 मतलब 0 अपॉन 720, 0 से 0 कट गया, 24 जाए 4 बार में कट रहा होगा हमको पता है, 2 का पावर y, 4 को क्या लिखोगे 2 का पावर 2 इक्वल टू 2 का पावर y, 2 2 कट गया, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, क्या पूछा था रेट लॉ, चलो रेट लॉ लिखते हैं ये, तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए का पावर 1 और बी का पावर 2, चलो तो ऑर्डर तो पूछा नहीं है, ऑर्डर पूछता तो बता देते, ऑर्डर कितना है 3 है, ऑर्डर कितना है बच्चों 3 है, बट के पूछा है, चलो के निकालते हैं, के हम किसी से निकाल सकते हैं, तो पहला वाला ही जी है उससे निकाल लो, तो और के हमेशा सेम ही रहता है, किसी को यूज कर लो यार, तो चलो ध्यान से देखेंगे के लिए, ध्यान से देखेंगे इसको ही यूज करेंगे हम, तो रेट, रेट का वैल्यू रख दो 6 इंटू 10 का पावर माइनस 3, समझ रहा है ये यूज कर रहे हैं, के पता नहीं, ए, ए मतलब 0.1 का पावर x, x कितना है 1, x पता चल गया। अब आ जाओ बी, बी कितना है 0.1 उसका पावर 2, दिया गया 6 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इक्वल टू के 1/10 इंटू 0.1, तो 1/100 लिख दें, राइट 10 का पावर प्लस 3 इधर भेज दो, 6 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये दिख रहा है 10 का पावर प्लस 3 है, तो ये प्लस 3 माइनस 3 कट हो गया, तो 6 आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया 6, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन नहीं, थर्ड ऑर्डर है, तो यूनिट ऑफ के निकाल लेना,
यूनिट ऑफ के निकाल लेना। देखो यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क गया 6। अब यूनिट कैसे निकलेगा, देखो मोल पर लीटर का पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, सॉरी मिनट है वहां पे देख लो, मिनट है ना। चलो तो देखो मिनट इनवर्स है, तो अब देखो एक काम करो, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहे थे, तो n का वैल्यू 3 डाल दो, 1 - 3 -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहां पे, -2 पावर कर लो यूनिट, बताओ क्या आएगा, मोल का पावर -2, लीटर का पावर -2 और मिनट इनवर्स, टाइम का यूनिट नहीं बदलता, बोलो। तो अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको इनिशियल रेट मेथड आ गया होगा बच्चों। आप क्वेश्चन को देख लो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा बॉक्स में दिए रहते कंसंट्रेशन वगैरह और रेट दिया रहता है, और आपसे कुछ भी बोलो, रेट लॉ में कुछ भी पूछ सकते हैं, रेट लॉ में कुछ भी पूछ सकते आपसे हम। अब नो सारे हमने टाइप कवर कर दिए, अब आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड पे, ठीक है, जो कि हाफ रिएक्शन मेथड है। ठीक है बच्चों, आप ये नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, और भी एनसीईआरटी की आप प्रैक्टिस करो घर पे। तो दूसरा मेथड है हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर निकलेगा तो रेट कांस्टेंट निकलेगा, सब निकल सकता है, ऑर्डर निकलेगा तो रेट लॉ, बहुत सारी चीजें निकलेगा, मेन ऑर्डर होता है राइट, क्योंकि ऑर्डर ही एक्सपेरिमेंटल होता है। हाफ लाइफ मेथड तभी यूज होगा जब क्वेश्चन में हाफ लाइफ की बात की हो, तुम बाकी किसी क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, मतलब हाफ लाइफ देना चाहिए। ठीक है, तो हम तुमको कुछ हाफ लाइफ के बारे में फॉर्मूला याद कराते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या था बताओ, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ सबने पढ़ा है, टी हाफ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन 2k राइट, यही था, यानी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता, यानी कंसंट्रेशन हम चेंज करेंगे अगर रिएक्टेंट का तो हाफ लाइफ चेंज होगा। देखना अभी कुछ ओरल क्वेश्चन भी इसमें 1 मार्क आ जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका हाफ लाइफ था 0.693, याद होगा सब इंटीग्रेटेड रेट से निकला था, अपॉन क्या था बच्चों, अपॉन क्या था बताओ, अपॉन था के। ठीक है, इसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 20, फिर 40 कर दिया हमने, और हाफ लाइफ उसका पहले था 5 और बाद में हुआ भी फिर 5 ही, 5 मिनट, तो बताओ ये कौन सा ऑर्डर है। डायरेक्ट देखो हाफ लाइफ सेम है लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो गया, हाफ लाइफ चेंज नहीं हुआ लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो गया, मतलब हाफ लाइफ को कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, बताओ कौन सा ऑर्डर है, ये है फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे क्वेश्चन ऑर्डर भी बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर में आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 1 by k into a naught। अगर आपको याद नहीं तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं फटाक से, याद होगा तो हम करा देते हैं। देखो ऐसे डेरिवेशन इसका हुआ था, रेट इक्वल टू, तो जिसको ये नहीं समझा वो यहां पर देखेगा, इंटीग्रेटेड रेट फॉर सेकेंड ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट फॉर सेकेंड ऑर्डर कैसे करते हैं अपन, ऐसा करते हैं रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2, यस रेट को लिख दो dA by dt माइनस के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर, तो dA माइनस बार अपॉन ए स्क्वायर, समझ रहा है, ये अपॉन में आ गया के इनटू dt, फिर इंटीग्रेशन थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, शुरू में इसको a नॉट बाद में a, इसको 0 इसको t, 1 by a square का इंटीग्रेशन, 1 by a square का, ध्यान दो 1 by x square dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये हो जाएगा x का पावर -2 dx, x का पावर n का इंटीग्रेशन सबने पढ़ा होगा, क्या होता है x का पावर n+1 / n+1, वही फॉर्मूला लगाओ, तो x का पावर -2 + 1 / -2 + 1, तो कितना आ जाएगा ये x का पावर -1 / -1, इसको नीचे ला लो तो 1 upon -1 x का पावर 1, ठीक है, माइनस साइन कभी भी नीचे नहीं रहता है तो ऊपर लिखो, ये आया इसका इंटीग्रेशन, ये आया यस, क्योंकि तुमको याद होगा इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा बताओ, एक माइनस और आएगा -1 by a, a नॉट से a तक,
ध्यान देना, ये मिटा दें। उसके बाद के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी, टी के जगह टी रखना है कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो वन बाई ए माइनस वन बाई ए नॉट कंसंट्रेशन इक्वल टू के टी, ये इंटीग्रेटेड रेट है। अब हाफ लाइफ के लिए याद होगा आपको ए का वैल्यू ए नॉट बाई टू रखते थे और टी का वैल्यू टी हाफ, इतना तो सबको याद होगा। तो ए के जगह ए नॉट बाई टू, तो वन बाई ए नॉट बाई टू माइनस वन बाई ए नॉट इक्वल टू के इंटू टी हाफ। अब ये ऊपर चला जाएगा, टू अपॉन ए नॉट माइनस वन अपॉन ए नॉट इक्वल टू के इंटू टी हाफ, ये कितना आएगा वन अपॉन ए नॉट इक्वल टू के इंटू टी हाफ। तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ गया बताओ, वन अपॉन के इंटू ए नॉट। ठीक है, देख लो ये सबको समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट भी नोट कर लो और ये भी नोट कर लो, हम आपको nth ऑर्डर का डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये nth ऑर्डर का फॉर्मूला है, ध्यान देंगे। इसमें एक नोट हम लिखो यहां पे, नोट क्या है, तो नोट ये है कि n का वैल्यू ग्रेटर देन वन के लिए फॉर्मूला वैलिड है, यानी आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का याद करना ही पड़ेगा। हाँ, n का वैल्यू ग्रेटर देन वन मतलब टू थ्री फोर फाइव इसका निकाल सकते हैं, तो हम इसका नहीं निकाल सकते। इसको याद करो, आप इसको याद करो, इसलिए हम बार बार याद करा रहे थे। सेकंड थर्ड फोर्थ का नहीं याद करो, कुछ याद मत करो, याद करो। तो एन का वैल्यू ग्रेटर देन वन टू डालो, तो ये टू माइनस वन कर लोगे आप, यहाँ पे टू डाल देने आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर जो भी ऑर्डर का हाफ लाइफ चाहिए आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हाफ लाइफ है। अब आपको याद होना चाहिए nth ऑर्डर का हाफ लाइफ, तभी आप हाफ लाइफ मेथड यूज कर सकते हो। अब इसको बनाना कैसे है ध्यान से देखेंगे। तो अगर आप हाफ लाइफ को ध्यान से देख रहे हो, ये मिटा दें, तो आप बस कंसंट्रेशन को ध्यान से देखो, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि हाफ लाइफ का प्रोपोर्शनल, देखो ये सब कांस्टेंट हटा दो, ये ऊपर चला जाएगा, प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए नॉट का पावर एन माइनस वन है, इसको ऊपर चला जाएंगे साइन माइनस वन करेंगे, समझ रहा है। तो ये ए नॉट का पावर माइनस ऑफ एन माइनस वन, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट का पावर वन माइनस एन, ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बहुत अच्छा, इससे ही बनेगा सवाल। मतलब यहां से हम हमेशा इसको ऐसा लिखेंगे और हाफ लाइफ डाल के वैल्यू निकालेंगे, समझा। फिर से देख लो, ये nth ऑर्डर का फॉर्मूला है। कोई पूछा कहां से आया, तो हमने बोला डिराइव कर लो, आप डिराइव कर लो, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर कर रहे हैं, आप n ऑर्डर कर लो, n में रख के इंटीग्रेशन कर लो, थोड़ा सा इंटीग्रेशन भारी होगा, कर लेना। ठीक है, आपकी मर्जी, करना है तो कर लेना, नहीं तो याद करो इसको। तो टू हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर, टू का पावर n माइनस वन, देखो ये नंबर है, ये नंबर ये कॉन्स्टेंट, ये पूरे कॉन्स्टेंट हटा दो, तो हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन, ऐसा आएगा, ये ऊपर गया माइनस होगा, ऐसा हो गया। अब इसका ये मतलब है कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन का पावर वन माइनस एन होता है, जहां पर एन ऑर्डर है, एन क्या है ऑर्डर, समझ रहा है। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये पावर वन माइनस वन जीरो, ये पावर जीरो, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, समझ गया होगा, सबको समझ में आया। अब एक क्वेश्चन बना के देखेंगे तो समझेगा आगे, ये समझा, यानी हम लोग हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर वन माइनस एन लिखेंगे। अब देखो इसको थोड़ा ऐसे कर ले क्या, हाफ लाइफ पहला बार हाफ लाइफ दिया तो हम उसको टी वन लिख ले रहे हैं, टी वन इक्वल टू के इंटू ए नॉट का पावर वन माइनस एन। किसी को डाउट है के कहां से आ गया, प्रोपोर्शनल हटाए तो कॉन्स्टेंट, इस पूरे को मिला के मान लो एक नया कॉन्स्टेंट। फिर दूसरी बार हाफ लाइफ देगा वो दो बार, ये देखो ये भी हाफ लाइफ है, ये भी हाफ लाइफ, हम टी वन टी टू लिख रहे हैं जानबूझ के, फिर के इंटू ए नॉट, इसको ए वन लिखो, ए वन ए टू का पावर वन माइनस एन। ठीक है, नहीं समझा, क्वेश्चन बनाओगे तो समझेगा। अब इसको डिवाइड करो, टी वन बाई टी टू इक्वल टू के से के कट गया, ए वन बाई ए टू का पावर वन माइनस एन, इसी को सॉल्व करके बनेगा आपका क्वेश्चन। अब आपको नहीं समझा पूरी तरह से, हम जान रहे हैं, तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, हम मिटाने वाले, इसको छोड़ देंगे, क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको अपने आप आ जाएगा। देखो अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत आसान सा, क्या कोई एक रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ ऑर्डर नहीं दिया इन्होंने, ऑर्डर ही तो पूछना है,
हाफ लाइफ है किसी एक रिएक्शन का 10 मिनट, हाफ लाइफ है 5 मिनट, हाफ लाइफ हो गया, हाफ लाइफ आधा हो गया जब कंसंट्रेशन डबल किए, कंसंट्रेशन को डबल किए तो हाफ लाइफ आधा हो गया, कंसंट्रेशन डबल किए तो हाफ लाइफ आधा हो गया। तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनो, तो क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ लाइफ, पहली बार हाफ लाइफ को T1 लिखना, 10 मिनट, ध्यान देना ये सब हाफ लाइफ है, हम ध्यान बुझ के टी बार बार हाफ आप तो नहीं लिख सकते ना। जब कंसंट्रेशन कितना होगा पता नहीं तो एक्स मानो, एक्स मानो, अब बोल रहा है इट बिकम 5 मिनट, अब T2 का वैल्यू 5 मिनट, ध्यान से देखो दो बार टाइम दिया यानी दो बार हाफ लाइफ देना चाहिए, दो बार हाफ लाइफ देना चाहिए और दो बार कंसंट्रेशन देना चाहिए। जब कंसंट्रेशन डबल यानी 2x, कंसंट्रेशन डबल यानी 2x, सही है। अब हो सकता है ये बॉक्स बना के दे, तो ये दे दे 0.2, ये दे दे 0.4, ऐसा भी दे सकते ना, बिल्कुल दे सकते, बिल्कुल दे सकते, बात एक ही है। अब क्या करना है आपको, T1 by T2 करना है और इधर A1 by A2 करना है, ध्यान देना बच्चों बहुत प्रेम से, और इसका पावर 1 - n, ये 1 - n तो याद हो गया होगा, बार बार लिखते हैं हम k का पावर, ये आ गया 10/5 और ये आ गया आपको x/2x का पावर 1 - n, ठीक है बच्चों। इधर करते हैं 5 × 2 = 10 और ये कट गया 1, यानी 2 = 2 - 1, ठीक है, ये ऊपर आ गया तो -1 और उसका पावर 1 - n, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, 2 = 2 - n - 1, 2 से 2 काट लो पावर 1 है, यहां पे 2 से 2 बेस से बेस कट गया, 1 = n - 1 तो n = 2, यानी दिस इज सेकंड ऑर्डर। बोलो अब तो तुमको ये फील हुआ नहीं हुआ, फिर से देखो ये चीज कहां से आया था, फार्मूला से, ये चीज कहां से आया, ऊपर गया ऐसा ऐसा, यानी ये प्रोपोर्शनल है, ये बात क्लियर हो गया, हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1 - n। क्या हम इस प्रोपोर्शनल को इक्वल बनाने के लिए कांस्टेंट लगा सकते, बिल्कुल यार, वो कुछ नया सा कांस्टेंट होगा, बड़ा सा कुछ भी, एनीथिंग, कांस्टेंट में भी एनीथिंग। तो मान लो क्वेश्चन में दो बार हाफ लाइफ देना पड़ेगा, क्वेश्चन में दो बार हाफ लाइफ देना पड़ेगा, एक बार हाफ, दो बार हाफ लाइफ और दो बार कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, या अगर गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर देना पड़ेगा, गैसियस में तुमको हमने बताया है अभी आज ही कराए थे, मतलब इसी लेक्चर में हमने वो प्रेशर वाला, राइट, तो वहां पे प्रेशर में बात होगी, पावर वावर सब वही रहेगा, प्रेशर में बात होगी, ठीक है। अब मान लो एक और क्वेश्चन बना ले अपने मन से, देख ले बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से फटाफट करते अपन, यह कॉन्सेप्ट छोड़ दो अपने आप आ जाएगा आपको, 2-3 क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा करो अपने आप कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन है, देखो एक दूसरा क्वेश्चन हमने बना दिया, अब देखो हाफ लाइफ दो बार देना पड़ेगा, दो बार हाफ लाइफ चाहिए और दो बार कंसंट्रेशन या प्रेशर चाहिए, तो डिवाइड करके हम लोग एन निकाल सकते, फील हो गया, अब तो पक्का फील हो गया होगा। ये क्वेश्चन आप बना लो, ऑर्डर पूछे, यूनिट ऑफ के ऑर्डर निकला तो सब निकलेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो पहला T1 के लिए लिखते हैं धराधर, अब धराधर, तो अब फटाफट ऐसे डायरेक्ट कर दो, तो 2 = a, कितना है 32 × 10⁻³। ध्यान से देखना T1/T2, T2 8 और A2 क्या है 2 × 10⁻³, ठीक है, इसका पावर आएगा 1 - n, अब तो आ गया पक्का, अब ये कट गया, अब ये कट गया, कितना आएगा 2 से कट गया, कितने बार में 1/4 = ये कट गया कितना आया 16, ये कितना है 16 × ये भी कट गया 16 का पावर 1 - n, ध्यान देना अब ये 4 का पावर -1 हो जाएगा बच्चों, यस, इसको 4 का पावर क्या लिखेंगे 2 और उसका पावर 1 - n, बस सॉल्व करना है, 4 का पावर -1 अंदर जाएगा, 4 का पावर 2 - 2n, 4 से 4 कट गया, -1 = 2 - 2n, सॉल्व कर दिया ऊपर में, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो -1 - 2 = -2n, तो -3 = -2n, -2 कट गया 3/2, n का वैल्यू, ऑर्डर इज 3/2, अब तो पक्का फील हो गया होगा, ऑर्डर इज 3/2, ऑर्डर आ गया, यूनिट ऑफ के बता दो धर से यार, यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर का पावर 1 - n, n यानी 3/2 और टाइम का है सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स, तो 2 1 = 2, तो ये आ गया मोल
पर लीटर का पावर माइनस हाफ, सही है, सेकेंड इनवर्स अंदर ला लो, यानी मोल का पावर माइनस हाफ और लीटर का पावर प्लस हाफ, सेकेंड इनवर्स। अब आ जाओ रेट, रेट रेट इक्वल टू के इंटू, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, उसका पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना है बच्चों 3/2। बोलो बोलो, तुमको दो मेथड आ गया ना, बिल्कुल आ गया होगा। चलो फिर अगले मेथड की तरफ चलते हैं जो कि है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। उसके लिए आपको पूरे ग्राफ फिर से हमको रिवाइज कराने पड़ेंगे। देखो हाफ लाइफ के लिए हमको पूरा हाफ लाइफ रिवाइज कराना पड़ा, इनिशियल रेट के लिए पूरा रेट लॉ रिवाइज कराना, मतलब एक रेट लॉ से बन रहा है, दूसरा हाफ लाइफ के फॉर्मूले से बन गया। बट इस क्वेश्चन में क्वेश्चन के आधार पर यह मेथड लगेगा, देखो ये हमेशा नहीं लग जाएगा, ध्यान से सुनना, स्टार लगा रहे, ये तभी लगेगा जब क्वेश्चन में ऑलरेडी हाफ लाइफ दिया हो। हाफ लाइफ नहीं दिया तो इसको मत लगा देना, तो बनेगा नहीं, गलत हो जाएगा ना। समझ में आ गया, ये हमने किसको डिवाइड किया है, हाफ लाइफ को डिवाइड किए, हाफ लाइफ को। अभी हमने यहां कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपने नोट किया होगा, हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू था 1 - n का पावर a नॉट का, ठीक है, ओके। तो आपको आ गया होगा समझ में। अगला है ग्राफिकल मेथड, आपने जीरो ऑर्डर का ग्राफ पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा, अब सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नोट करो फटाक से, हम पढ़ा देते हैं। तो अगला मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले आपको सारे ग्राफ रिवाइज करने होंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन। देखेंगे थोड़ा, हमने ये सब पढ़ा दिया है, बस रिवीजन के लिए इसलिए हमने पहले से लिख कर रख दिया। देखिए ये जीरो ऑर्डर है, इंटीग्रेटेड रेट सबने पढ़ा है, टी इक्वल टू ए नॉट कंसेंट्रेशन का आप साइन लगा लिया करो, कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन के, राइट। ग्राफ बनाने के लिए इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखा जाता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ाया है। y किसको मानते हैं a को और x किसको मानते हैं t को, तो इसको हमने अरेंज किया, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये kt हो जाएगा, ठीक है, और a को इधर ट्रांसफर कर लो पॉजिटिव बनाने के लिए y, फिर इसके kt को उधर ट्रांसफर करो तो माइनस kt प्लस a नॉट, फिर ये ग्राफ बनेगा, निगेटिव स्लोप है तो ऑब्ट्यूज एंगल थीटा होगा, देखो 90 से ज्यादा एंगल होगा क्योंकि निगेटिव स्लोप है, स्लोप हो गया माइनस k, मैच करो यहां से, माइनस के स्लोप हो गया और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा ए नॉट और ग्राफ ऐसा, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, यानी अब आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा, ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको ऑर्डर पूछा जाएगा, या आपको वैल्यू दे दिए जाएंगे और आप ग्राफ बना लो, ध्यान समझना, आपको वैल्यू दे दिए जाएंगे, जैसे आपको ए नॉट का वैल्यू दे दिया और टी का वैल्यू दे दिए हमने ऐसा टू ऐसा समथिंग, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ देख करके आप ऑर्डर बता दो, बस यही टेक्निक है इसमें, और कुछ बड़ा तीर मारने वाला बात नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर का एक पे फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेटेड रेट टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए, इसमें देखो इसमें इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो के टी, फिर ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा अरेंज करो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, कैसे करेंगे देखेंगे, यहां पे यहां के टी हो जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग log a नॉट अपॉन a, सबने पढ़ा है log में जो माइनस डिवाइड होता है उसको माइनस में लिख सकते हैं, log a नॉट माइनस log a, इसको इधर ट्रांसफर करो पॉजिटिव बनाने के लिए, तो log a इसको इधर ले जाओ तो माइनस के टी अपॉन दिस। अब देखो ये है y, ये है y एक्सिस पे, ये देखो log a, और उसके बाद x एक्सिस पे है टाइम और स्लोप हो गया माइनस के अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट हो गया log a नॉट, क्लियर हो गया। इससे कंपेयर करते जाओ, इससे कंपेयर करते जाओ बच्चों, ठीक है। चलो अब सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, t इक्वल टू, देखो सबने t लिखा हमने 1/k 1/a माइनस 1/a नॉट, इसको भी एक काम करो, इसको ये करो k को इधर भेज दो तो kt हो जाएगा और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, देखो इसका पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है तो एक्यूट एंगल बनेगा, देखो यहां पे एक्यूट एंगल बन रहा है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 1/a, 1/a और t, देखो ग्राफ बनेगा 1/a और t, अंतर मिलाओ यहां a और t के बीच बना, यहां किसके बीच ग्राफ बना a और t कंसंट्रेशन, यहां पर log a अपॉन ऑफ t और यहां पे 1/a और t। अब आ जाओ थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में देखो हमने ग्राफ बनाया नहीं है, आप बनाना, ये बिता दे थर्ड ऑर्डर का हम ग्राफ बनाएंगे, ध्यान दे इधर, थर्ड ऑर्डर का ग्राफ बनाएंगे हम, तो देखो थर्ड ऑर्डर का ग्राफ बनाने के लिए इसको इधर ला लो तो 2kt सही है इक्वल टू 1/a स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर, ये है y, इसको इधर ला लो, इसको इधर ला लो तो ये 2kt
प्लस 1 बाई ए नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए का स्क्वायर, इसको मानेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी। यानी अब जो ग्राफ बनेगा, ध्यान देंगे बच्चे लोग तभी ध्यान से, ये t के बीच और 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर, 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ a के स्क्वायर के बीच, स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। और स्लोप किसके बराबर हो जाएगा बताओ बच्चों, 2k। स्लोप किसके बराबर, 2k। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होगा, 1 बाई ए नॉट का स्क्वायर। देखो इसी के जैसा है, बस स्क्वायर हो गया। देखो ऑर्डर 2 है ये कितना ऑर्डर है बच्चों, ये ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर कितना है 3 है। देखते जाओ ए नॉट पे ध्यान दो, ए नॉट पे है सिर्फ ए नॉट है तो ऑर्डर है कितना, ऑर्डर देखो लॉग ए नॉट है, ध्यान से रखो लॉग लॉग ए और टी के बीच का ग्राफ, तो फर्स्ट ऑर्डर ए और टी के बीच का ग्राफ जीरो ऑर्डर, वन बाई ए, इसके बाद आसान हो जाता है, इसके बाद आसान हो जाता है, वन बाई ए और टी के बीच का एक ऑर्डर ज्यादा, देखो पावर वन है तो टू बोलने का, तो सेकेंड ऑर्डर, वन बाई ए स्क्वायर का ग्राफ है तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, समझ गया। तो अब nth ऑर्डर का देखो, nth ऑर्डर को समझने की कोशिश करो, nth ऑर्डर n ग्रेटर देन वन होना चाहिए, nth ऑर्डर में किसका ग्राफ बनेगा, nth ऑर्डर में किसका ग्राफ बनेगा बताओ बच्चों, किसका बनेगा, इसको इधर ला लेंगे, सॉरी इसको इधर ला लेंगे, इसको इधर ला लेंगे, तो ग्राफ बनेगा, देखो हम बना दे रहे हैं, ग्राफ बनेगा t और यहां बनेगा 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर n माइनस 1, इसका सही है एक कम। देखो यहां पे सेकेंड ऑर्डर में 1 बाई ए है, सेकेंड ऑर्डर में 1 बाई ए है, थर्ड ऑर्डर में यहां पे 1 बाई ए स्क्वायर है, फोर्थ ऑर्डर में 1 बाई ए क्यूब होगा, क्लियर है। तो nth ऑर्डर में, nth ऑर्डर में, nth ऑर्डर में यहां क्या होगा 1 बाई एन माइनस 1 और ग्राफ ऐसा ही बनेगा। देखो यहां पे, ये देखो इसको देख के समझने का, इसको देख के समझने का, यहां है 1 बाई ए नॉट का स्क्वायर, तो यहां पे क्या होगा बताओ, 1 बाई ए नॉट का पावर एन माइनस 1 और एक्यूट एंगल होगा। स्लोप क्या था यहां पे, स्लोप कितना था 2k, देखो 3 है तो 2k, तो यहां पर कितना होगा स्लोप, यहां पर स्लोप होगा n माइनस 1 इंटू के। तो बस यही है आपका ग्राफिकल मेथड, आपको ग्राफ देख करके ऑर्डर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार दिमाग में फिट कर ले, ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, अब समझ गया होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड खत्म होता है, नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा सबको, कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला आखिरी मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब इसमें आपको मतलब ट्राई कर करके देखना है। ट्रायल मतलब क्या होता है, कोशिश करना, मतलब मान लेना है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और बनाना है। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें फर्स्ट फर्स्ट एज्यूम एज्यूम दैट दैट द ऑर्डर इज फर्स्ट, मान लो कि ऑर्डर वन है, ऑर्डर पूछा है तो मान लो ऑर्डर वन है, एंड यूज फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करो, ये वाला k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, एंड फाइंड, उसके बाद क्या करो, फाइंड करो अगला स्टेप, फाइंड वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k बाय टू डिफरेंट वैल्यूज, बाय टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a, यानी कंसंट्रेशन ऑफ a चेंज करके और टाइम बदल बदल के दो बार k निकालो। जैसे यहां तीन बार दिया है तो एक a नॉट तो इसको मानेंगे शुरुआत का, a नॉट तो फिक्स होता है, a बदल सकता है, ये भी हो सकता है a, ये भी हो सकता है a, मतलब जितना रिएक्टेंट बचा है, ठीक है ना, a नॉट स्टार्टिंग, तो बार बार वैल्यू निकालो। अगर इफ इफ के इज सेम, तो एक रिएक्शन का कांस्टेंट कभी भी नहीं बदलता है, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर, अगर ये के सेम आ गया तो फर्स्ट है, नहीं तो जीरो है, नहीं तो जीरो है, क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही तो पढ़ना है, जीरो या फर्स्ट, नहीं तो फिर आप सेकेंड ऑर्डर के लिए ट्राई करना, ठीक है। चलो तो करके देख लेते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ए से प्रोडक्ट बन रहा, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है मोल पर लीटर में और टाइम दिया है सेकंड में, फाइंड द ऑर्डर। तो मान लो
लेट इट इज फर्स्ट ऑर्डर, लेट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के का फॉर्मूला लगाओ, के वाल लिखना क्या 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए, ध्यान देना के वन इक्वल टू 2.303, टाइम कितना लगा देखो, पहला बार में टाइम लगा है 10 सेकेंड तो 10, फिर लॉग ए नॉट स्टार्टिंग का 50 और बाद में कितना है 30, बस अब फिर इसको और इसको यूज करो, ध्यान से देखो K2 तो क्या 2.303 कितना टाइम लगा यहां से यहां तक 20, फिर उसके बाद लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 50 और बाद में कितना हो गया 18, ध्यान समझेंगे 2.303 अपॉन 20 लॉग, ये कैंसिल करो 2 से 25 और ये 2 से 9, सही है, इसको लिख दे क्या 5/3 का स्क्वायर, लिख सकते क्या आप, बिल्कुल लिख सकते, पावर लॉग में सामने आ जाएगा 2.303 अपॉन 20 इंटू 2 लॉग 5/3, 2 से कट गया 10, देखो सेम आ गया, तो के वन इक्वल टू के टू सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर, तो मेरा मानना सही निकला, नहीं निकलता तो जीरो ऑर्डर होता, जीरो ऑर्डर नहीं होता तो 2 पे ट्राई करते, ऐसे फॉर्मूले रख रख के ट्राई करना होगा, बस ये बकवास है फिर भी है तो बता दिया हमने। तो चलो चार मेथड हमने आपको पढ़ाया ऑर्डर डिसाइड करने का, ध्यान सुनेंगे, उसमें से दो मेथड खास है, पहला मैंने बताया था इनिशियल रेट मेथड, ठीक है, दूसरा बताया आपको हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड जब यूज होगा जब हाफ लाइफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो हाफ लाइफ देना चाहिए, दो कंसंट्रेशन, फिर ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफ देख करके जज करो, ग्राफ आपको याद हो गया होगा जीरो ऑर्डर का ऐसा है, फर्स्ट ऑर्डर का भी ऐसा है, तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ बना है कंसंट्रेशन और टाइम, फर्स्ट ऑर्डर का बना है लॉग ए अपॉन और टी या एल एन ए भी हो सकता है, और उसके बाद वन अपॉन ए, फिर वन अपॉन ए स्क्वायर एंड सो ऑन, उसके बाद तो कंटिन्यूअस है, उसके बाद आप पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।